अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पीएसएल के लिए भी एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा। जी हां, अलग बोर्ड बनाया जाएगा, पीएसबी, पाकिस्तान सुपर लीग बोर्ड, या ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट बोर्ड, पीएससीबी, ये भी हो सकता है। लेकिन एडवाइस डाल दी गई है, सोच तब्दील करने का जो वक्त है वो आ गया है। और बड़ा राइट पॉइंट है, आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। और शाहिद खान अफरीदी ने रिस्पांस की है बीसीसीआई को, और बड़ा ह्यूज रिस्पांस है। और इसके ऊपर पाकिस्तान और भारत का जो मतलब दोनों मीडियाज है ना, वो इसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, और लेटेस्ट अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब नदीम उमर साहब, कौन नहीं जानता, ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग का, और बड़े आगे रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। इस बात में तो कोई दो रही है, चाहे क्वेटा के बुक्टी स्टेडियम में वो एग्जीबिशन मैच करवाना हो, या मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में रहते हैं, चाहे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बड़े तगड़े काम करवाना, वो नदीम उमर की एक लेगेसी रहती है, इस बात में तो कोई दो रहा है नहीं। भरत राम ने एक और बात डाल दी है, हमें एक अलग चेयरमैन चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, अलग मैनेजमेंट चाहिए। मोहसिन नकवी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ये बंदा भाई मिनिस्टर भी है, पीसीबी चेयरमैन भी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी बनने जा रहा है, इसके पास वक्त नहीं है। और इसी वजह से मोहसिन नकवी ने वकार जी ने उसको काम हैंड ओवर किया है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने सारे काम देखने हैं। तो यानी कि मोहसिन नकवी का जो काम है सबको पता ही है। तो नदीम उमर साहब ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भाई एक अलग क्रिकेट बोर्ड चाहिए। जी हाँ, और जो उसको चलाए, जो पीएसएल के फैसले सुने, भाई फ्रेंचाइजी के साथ मीटिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, लेन देन का बड़ा हिसाब किताब होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जो नेशनल टीम के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा, वो फिर फ्रेंचाइज टीमों के लिए कैसे वक्त निकालेगा, ये उनको डर है। उन्होंने कहा कि पीसीबी को चाहिए नई मैनेजमेंट पीएसएल के लिए अलग बना दे, और पीसीबी को चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक अलग बोर्ड बना दे, चाहे आप किसी एक्स क्रिकेटर को मतलब लगा दें, बस ये होना चाहिए। क्या जनाब नदीम उमर की ये बात सुनी जाएगी, कितना वजन है और इसके ऊपर काम किया जाएगा, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है। बहरहाल ये एक लीग है अपनी, पीसीबी इसके ऊपर एक डिसीजन ले सकता है, लेट्स सी क्या होगा, ये वक्त बताएगा। अब बात करते हैं शाहिद खान अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने भाई कहा है कि भारत से हमें धमकियां मिलती थी, पाकिस्तान से भी हमें धमकियां मिलती थी, लेकिन हमने कभी भी भारत के दौरे से इनकार नहीं किया है। हमें भेजा जाता था, भारत के फैंस जब मतलब भारत के कुछ लोगों से अगर हमें खतरा होता भी था, हम फिर भी जाते थे भारत में खेलने के लिए, हम नहीं डरते थे, हम जाते थे, हमने कभी कोई बहाना नहीं बनाया जो भारत बहाने बना रहा है। ये शाहिद खान अफरीदी की स्टेटमेंट है, जो भारत बहाने बना रहे हैं हम इसी वजह से जनाब, यानी कि भारत जो बहाने बना रहे हैं हम तो जाते थे, लेकिन भारत अब बहाने बना के जो वो जानबूझ के पीछे खसकना चाहता है, लेकिन हमने बड़े दलेराना फैसले किए थे अपने वक्त में। ये शाहिद खान अफरीदी की स्टेटमेंट है बीसीसीआई के लिए। और नंबर टू, इस वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आईसीसी का जो शेड्यूल है वो अप्रूव हो गया। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली अब अप्रूव हो गया। और मजे की बात यह है कि बीसीसीआई की तरफ से भी शेड्यूल जो है वो अप्रूव है। अंदर की बात बता रहा हूं, किसी ने आपको नहीं बताई होगी, जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है वो भारत की तरफ से भी अप्रूव हो चुका है, और इसके ऊपर वर्क फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो बजट है वो भी जय शाह की निगरानी में अप्रूव किया गया, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बड़ा जनाब अपडेट्स अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।